डियर एस्पिरेंट, जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जॉब अपडेट पे वीडियो बनाने का पर्पज बस इतना सा होता है कि आपको एडवर्टीजमेंट ना पढ़ना पड़े और अलग अलग जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर ना करना पड़े। वो इन्फॉर्मेशन, वो एडवर्टीजमेंट हम पढ़ें और उसका जो निचोड़ है वो आपको बता दें, जो आपको काम का हो, ताकि आपको एडवर्टीजमेंट पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े और वो टाइम लगाओ आप बुक पढ़ने में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पढ़ने से सिलेक्शन तो होने से रहा, बुक पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें आप बुक पढ़ने में। अगर अभी तक आप पढ़ नहीं रहे हो तो स्टार्ट करिए। स्टार्ट इसलिए करिए क्योंकि आज जिस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं ये आई है सीधे 4 साल बाद। इससे पहले इस टाइप का रिक्रूटमेंट हुआ था 2018 में, अगस्त 2018 में एडवर्टीजमेंट आया था और ठीक 4 साल बाद अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त 2022 में एडवर्टीजमेंट आया है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने आईटीआई किया है, अगर आप सिंपल साइंस ग्रेजुएट हो तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पर साथ में ही थोड़ा बी वाले या फिर साइंस में पीजी वाले निराश होंगे क्योंकि उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना गया है। और ये कारनामा केवल हमारे देश में होता है कि जो मांगा गया है वही चाहिए, अगर थोड़ा आपके पास एक्स्ट्रा है तो नहीं लिया जाएगा आपको। खैर, उसके बारे में डिबेट हमारा नहीं है। हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ की वैकेंसी को। पीछे आपको बैकग्राउंड देख के समझ में आ ही गया होगा, चूंकि मैंने 2018 का डिस्कशन किया तो एक बात और आपको बताते चलता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाओगे कि 2018 में जो वैकेंसी थी ना उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 495, अगर एग्जैक्टली मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखा दूंगा आगे। और अभी जो वैकेंसी आई है वो है टोटल 1900 के आसपास, मतलब सीधा 4 टाइम कह सकते हैं हम। इतना ज़्यादा डिफरेंस भी है, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, मार्क्स थोड़े से घटाए गए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के, पर बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। मैं एक बार आपको एडवर्टीजमेंट का ओवरव्यू करवा देता हूँ, उसके बाद हम पीपीटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको एडवर्टीजमेंट नज़र आ रहा है। अब ये एडवर्टीजमेंट घूम रहा है सोशल मीडिया पर जब इनके आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो ये एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगा नहीं। हो सकता है मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, पर मैंने कोशिश पूरा किया था कि यार हमें भी मिल जाए। जैसे यहां से हम चले जाते हैं करियर में, करियर के बाद आपको कहां पे जाना है, अदर रिक्रूटमेंट में। यहां पे जाओगे तो वही वाला पेज ओपन हो जाएगा, CEPTAM, मतलब सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। ये इसके बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको वो एडवर्टीजमेंट नंबर नजर आ रहा है, ये 10th नंबर का रिक्रूटमेंट है। इससे पहले 9th वाला हुआ था, ये देखो आप 9th वाला है। यहाँ पे आप देख पाओगे ना ये 9th का है और कब आया था, ये अगस्त 2018 में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 494 और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अभी रिसेंट वाला। पर मैं कह रहा हूं ये मिल नहीं रहा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे मैंने बताया आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम लोग, फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ये रोल करेंगे और वापस से ये ओपन हो जाता है। फिर थोड़ा आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, बेसिकली ये सून टू बी पब्लिश्ड, ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये अभी दोपहर तक नहीं थी, अभी इसको अपडेट किया गया है। और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा डिटेल ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको वो शॉर्ट डिटेल नजर आ रहे हैं, शॉर्ट डिटेल जिसमें वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में मेंशन किया गया है। आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और आपको टेक्निकल ए की वैकेंसी नजर आ रही है, ये बेसिकली आईटीआई वालों की है। और ये वाली जो वैकेंसी है ये आपको जनरल ग्रेजुएट कह सकते हो, डिप्लोमा वालों कह सकते हो, उनके लिए, ठीक है। डिटेल में ये वैकेंसी आपको यहां नजर आ रही है। अब ये वाला एडवर्टीजमेंट वहां नहीं है, पता नहीं कहां से ये आ गया है सोशल मीडिया में। खैर कोई बात नहीं, कहां से भी आया हो हमें क्या लेना देना है, हमें तो समझना है कि बेसिकली ये चीजें हैं क्या। तो जैसे हमने देखा दो पार्ट में ये डिवाइड किया गया है, तो यहां पे आप देख पाओगे जो जो वैकेंसी है ना उन सारे वैकेंसीज के सामने आपको क्राइटेरिया लिखा मेंशन मिल, मतलब मेंशन कर दिया गया है। जैसे आप देखोगे डिप्लोमा मांगा हुआ है केमिकल में, अब यहां पे इससे ऊपर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को शुरू में ही, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, चाहे वो बीटेक हो, बीई हो, पीएचडी हो या फिर एमएससी वाले भी, यहाँ पे देख लें यहाँ पे एमएससी भी मेंशन है, आप एलिजिबल नहीं हो, आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बाकी आप देख लेना टोटल वैकेंसी। अच्छा चीज एक ये लगा कि मैकेनिकल वालों के लिए इस बार वैकेंसी आई है और वो भी
सबसे ज्यादा इस पूरे लिस्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है मैकेनिकल के पास, जो जो ज्यादा है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दिया है। कंप्यूटर की भी काफी वैकेंसी है यहाँ पे 192, इलेक्ट्रॉनिक्स की है 294, डिप्लोमा मैकेनिकल। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। जैसे मैंने कहा 2018 के बाद सीधा अब ये वैकेंसी आई है, दोबारा कब आएगी ये पता नहीं। और बहुत अच्छी सैलरी भी है यहाँ पे, बहुत अच्छी फैसिलिटी भी है डिप्लोमा बेसिस पे। ये सैलरी, ये फैसिलिटी बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। खैर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। तो ये है हमारी पीपीटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया है, थोड़ा और बता दूंगा आपको। एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट में बुक्स, क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपको शायद पता भी होगा अगर आप पढ़ रहे होंगे, जो लोग नए हैं ये बात उनके लिए है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। वीडियो बनाने का एक पर्पज ये भी होता है कि कमेंट बॉक्स में डिस्कशन हो जाता है, अगर कोई डाउट होता है तो वो दूर हो जाता है। बाकी मनु एकेडमी ऐप आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, आपसे रिलेटेड इसमें एडवर्ट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और टेस्ट सीरीज भी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डेट्स हैं, डेट आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। जो भी क्राइटेरिया है वो लास्ट डेट से कंसीडर किया जाएगा। लाइक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, आपका क्वालिफिकेशन इस डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, जो भी मांगा गया है कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे आप EWS में रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो EWS का सर्टिफिकेट इस डेट से पहले का होना चाहिए। इसी तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट हो आपका, इस डेट से पहले वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा क्वालिफिकेशन हो। बाकी जो एग्जाम की डेट है बाद में आपको बताया जाएगा इनके वेबसाइट पे। जो बेसिकली आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आपके जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लीजिए। ITI वालों को एक अलग से सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है, वो हम आगे मैं आपको दिखा दूंगा। वो आपके पास है तभी एलिजिबल हो, बाकी डिप्लोमा के लिए कुछ एडिशनल नहीं है। उसी तरीके से BSc के लिए भी कुछ एडिशनल नहीं है। एज की बात करें तो एज का भी कैलकुलेशन आपको 23 सितंबर से करना है और ये 18-28 के बीच में होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एज में जो रिलैक्सेशन होता है एज पर द नॉर्म्स वो है। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आपको नॉर्म्स देख लेने हैं, बाकी हायर डिग्री एलिजिबल नहीं है, ये बात हमने पहले ही कर लिया। अब सबसे मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सैलरी, तो सैलरी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सैलरी पर सैलरी ध्यान रहे तब मिलेगी जब एग्जाम क्लियर होगा और सिलेक्शन के फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। बेसिक पे आपको यहां पे नजर आ रही है, ग्रॉस सैलरी आपकी कुछ हो जाएगी 55 के आसपास। ग्रॉस सैलरी में क्या क्या ऐड कर दिया है मैंने अभी, 34% जो आपका DA है, प्लस मैंने 10% यहां पे आपका HRA ऐड कर दिया है। ये 10 से ज्यादा भी हो सकता है अगर आप दूसरे सिटीज में हो तो, डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, ये जनरली वेरी करता रहता है, 1000 से लेके 1500, 2000, 3000 तक चला जाता है, ये पर मंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके बच्चों का एजुकेशन, पर उसके लिए पहले नौकरी लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, इसके बाद वो मिलेगा। ऐसे जाके तुरंत क्लेम नहीं करना है कि नहीं मेरे बच्चों का फी दीजिए। और यहाँ पे आपको एक चीज और मेंशन किया गया है जो हर वैकेंसी में नहीं मिलती है। जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपका जो ट्रेवल का टिकट होगा ना वो कंसेशन बेसिस पे होगा। जनरली ये चीज़ें डिफेंस वालों को मिलती हैं, क्योंकि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको भी मिल रहा है, और ये भी चीज़ डिफेंस वालों को ही मिलता है क्योंकि आप भी डिफेंस में जा रहे हो इसलिए आपको भी मिल रहा है। नहीं तो कैंटीन की फैसिलिटी, मतलब सब्सिडी अमाउंट पे पैसे भी अच्छे देंगे, उसके बाद जो सामान खरीदोगे उसमें भी 20 से लेके 40% तक डिस्काउंट रहता है कैंटीन में। जिन्होंने कभी फैसिलिटी यूज किया होगा उनको पता भी होगा, अच्छे से अच्छे ब्रांड जो है ना उसमें भी अच्छा खासा डिस्काउंट रहता है। सारी चीज़ें जनरली कैंटीन में आपको मिल जाती हैं। अब ये मैं नहीं कहूँगा कि हर कैंटीन में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पर हाँ इनके कैंटीन में मिल जाएगा क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा सेंटर नहीं है आर्मी के जैसे। आर्मी में कहीं कहीं पर कैंटीन में शॉर्टेज भी होता है, कहीं पर सामान अवेलेबल नहीं होती हैं, पर यहाँ पर शायद ऐसा ना हो, आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्जाम में जो टीयर वन है किसके लिए भाई, जो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर हम ITI वालों की बात करें तो इसमें जो ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर है। इसमें जो टीयर वन वाला एग्जाम है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और जो आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है
इसमें जो आपका टीयर टू का एग्जाम है इसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। मतलब ये जो 120 मार्क्स है जो 2018 में 150 नंबर का एग्जाम हुआ था, मैं आप कहोगे कि 2018 की बार बार बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई YouTube चैनल पे आपको प्रेडिक्टेड कट ऑफ भी मिल जाएगा कि 2018 में ये गया था तो अभी ये चला जाएगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि उस टाइम पे सीटें कम थी, उस टाइम पे अवेयरनेस कम थी, और उस टाइम पे शायद इतने लोग जितने आज नौकरी के लिए परेशान हैं कम रहे होंगे थोड़ा, और इस बार सीटें ज़्यादा हैं, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो वेरिएशन भी होगा। पर आपको टारगेट बना के चलना है कि एग्जाम में एटलीस्ट आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 60% की बात कर रहा हूँ, 60 मार्क्स की नहीं, 60% के प्लस स्कोर करने की कोशिश करें। जो स्क्रीनिंग होगा 1:8 के रेशियो में होगा आपके सीट के हिसाब से। मैकेनिकल की स्पेसिफिक बात करें तो पिछली बार जितनी सीटें थी उसके 2 times इस बार सीटें हैं, ठीक है, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ का वेरिएशन भी होगा। पर सेफ साइड में कहूंगा कि आप 60% प्लस स्कोर करें और यहां पे 70% प्लस स्कोर करने की कोशिश करें तो आप सेफ साइड में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी तो भाई बिल्कुल डिपेंड करता है 4 साल में कितना परिवर्तन हो जाता है। लोग 4 साल से कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे तो लेवल क्या अचीव हो गया होगा, वो सारी बातें होती हैं। बिल्कुल कुछ मिनिमम कट ऑफ भी है आपका टीयर 1 से टीयर 2 जाने में, ये कट ऑफ आपको मेंशन कर रखा है, इतना तो मिनिमम चाहिए। पर ये आप श्योर नहीं हो कि इतना कर लोगे तो आपको सेकेंड टीयर का एग्जाम देने को मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा जनरली, ठीक है, एक अलग कट ऑफ बनाया जाता है। पर ये मिनिमम है कि कहीं पर मान लीजिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में तो इससे कम वालों को तो टीयर 2 में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। आईटीआई वालों को ये एग्जाम सीरियसली लेना है और जो लोग सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनको ये एग्जाम सीरियसली लेना है क्योंकि इसी के बेसिस पे मेरिट बनाया जाएगा। इसमें ये क्वालिफाइंग है मैंने पहले बता दिया और इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला है ये क्वालिफाइंग है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाले में एकदम से कॉमन है, सबके लिए एक ही एग्जाम होगा, पूरे पूरे पोस्ट के लिए जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उन पूरे के लिए एक ही एग्जाम होगा टीयर 1 वाला, ठीक है। नॉर्मलाइज होने का भी कहा गया है कि हो सकता है ये नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है। पर जो 1:8 रेशियो है ना ये आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के हिसाब से होगा, तो हर डिसिप्लिन का जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगा। तो होप सो कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे आपको नजर आ रहा है वही सिलेक्शन की किसके बेसिस पे फाइनलाइज किया जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और जो आपका टेक ये वाली पोस्ट है इसमें तो आपका जो पहला वाला एग्जाम है टीयर 1 वाला एग्जाम जो सीबीटी है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा। एक बात और भूल ना जाऊं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुक्स की बात कर लेते हैं, क्या पढ़ना है आपको। अगर आपके पास कोई रीजनिंग एफटी की बुक है तो ये बुक परचेज नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं होती है, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है और आजकल प्रैक्टिस करने के लिए दुनिया भर का मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो बुक का एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है। और जरूरी नहीं कि यही बुक आप पढ़ो, कोई भी आपके पास बुक है वो पढ़िए, दैट इज मोर देन सफिशियंट। पर जिनको परचेज करना है वो लोग ये वाली बुक परचेज कर सकते हैं, अच्छी बुक है, रीजनिंग की भी आती है या एफटी की भी आती है, ठीक है। पुराना एडिशन लोगे तो दोनों मिक्स मिल जाएंगे, नए एडिशन में दोनों अलग अलग आते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि नए वाले लोग, कुछ मॉडिफिकेशन आपको मिलेगा, कुछ रिसेंट टेक्निक से जब क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अलग अलग एग्जाम में तो जो पब्लिशर होते हैं जो राइटर होते हैं उस चीज को भी अपने बुक में एक मतलब एकोमोडेट करते हैं ताकि जो कैंडिडेट है उसको उसका फायदा मिले। जो जीके और करंट अफेयर है इसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक प्लस यूट्यूब फॉलो कर सकते हो, जिसका भी आपको अच्छा लगे। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, केडी पब्लिकेशन की आती है। बेसिक साइंस के लिए भी अरिहंत की बुक ठीक है, ठीक है। और अगर आपका टीयर 1, ये तो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, टीयर 1 की, अगर टीयर 1 आपका क्वालिफाई हो जाता है तो मैकेनिकल के लिए मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। पर जिस ब्रांच की डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ मैं, जिस ब्रांच के लिए, चूंकि एग्जाम हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा तो आप हिंदी की भी बुक ले सकते हो, YCT की, इंग्लिश में दोनों मोड में इनकी आती है बुक। तो जिनके लिए बेसिकली YCT की बुक आती है मैं रिकमेंड करूंगा कि ले लीजिए, थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन ठीक रहता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको सोल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सोल्यूशन दिए रहते हैं, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए मैं बार बार ये वाली बुक आपको रिकमेंड करता हूं। अगर आपके पास कोई MCQ बुक नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए तो ये ले लीजिए। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया तो फिर तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी और टेक्स्ट बुक के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सबके लिए एक ही होता है वो वीडियो, ठीक है। तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो टेक्स्ट बुक क्या क्या पढ़ना है।
कुछ लोगों को डाउट होता है कि कौन सा खरीदें, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, आप देख पाओगे। ये मैंने मैकेनिकल के लिए लगाया है, दूसरे लोग दूसरे ब्रांच वाले हैं जिनके लिए YCT की बुक आती है वो भी परचेज कर सकते हैं, अच्छी आती है इनकी बुक, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, मैंने देखा है इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। खैर अब थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट पर चल देते हैं, एक बार मैं आपको ओवरलुक दिखा देता हूँ एडवर्टीजमेंट का, और ऐसा तो कुछ है नहीं बाकी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है शॉर्ट में। अब आपको नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे नजर आ रही होगी, इधर साइड में ना आपका कोड दिया गया है बेसिकली कि कहाँ कहाँ इनका सेंटर है और पर्टिकुलर ये जो ओपनिंग है वो कौन कौन से सेंटर पे अवेलेबल है। आपको कोड भी चूज करना रहेगा ना, सिटी कहाँ पे आप पोस्टिंग चाहते हो, पर वो सब तब होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, टोटल 3 एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे वो सारे सेंटर्स दे रखे हैं। थोड़े से नंबर्स कम हैं, हर स्टेट में अराउंड अराउंड होंगे, हो सकता है जो यूपी जैसे बड़े स्टेट्स हैं उनमें एक से ज़्यादा सेंटर हो, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और ये एडवर्टीजमेंट जो मेरा चैनल है टेलीग्राम का, उस पर मैं शेयर भी कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ये 2018 वाला एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे आप नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए कितना है, मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है, और यहाँ पे आप इंडिविजुअल ब्रांच की भी पोस्ट देख लीजिए, ठीक है। काफ़ी कम है पहले के कंपेरिजन में, अभी जो पोस्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी के बाद कभी आएंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो मौका नहीं छोड़ना है, अपने तरफ से पूरी मेहनत पूरे लगन के साथ करनी है। बस ये मन में, मतलब ये ना रह जाए मन में टीस की यार थोड़ा पढ़ लिया होता तो हो गया होता, थोड़ी मेहनत कर लेते तो हो जाता, पूरा जज्बा पूरा जुनून के साथ पढ़ना है, होना ना होना बात की बात है, पर अपने तरफ से थोड़ा भी ये मिस नहीं करना है कि यार हमारी कमी के वजह से सिलेक्शन रह गया, तो लग जाइए आज से ही, वेट नहीं करना है, लग जाइए डेली पढ़िए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़िए, बाकी दुनिया को थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, एकदम आइसोलेट रहिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट करिए, जब भी सोशल मीडिया उठाइए काम की चीज़ ही देखिए, पढ़ना भी है और पढ़ने वाले इन्वायरमेंट में रहना भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया 4 घंटे अब चलो 2 घंटे मौज मस्ती वाले वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप इस इन्वायरमेंट से उस इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो गए, फिर वहां से यहां आने में वो जो ट्रांजिशन फेज होता है ना उसमें बड़ा टाइम लगता है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, जो अभी पढ़ के फिर नाच गाना देखने लग जाए, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने लग जाए शॉर्ट वीडियो, फिर तो जो पढ़ा वो भी भूल गया, सब काम खत्म हो जाता है, तो वो सब काम बंद करिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मोस्ट वेलकम।